दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप भी लें। मैं आपको जियोपॉलिटिक्स, लीगल अफेयर्स और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के ऊपर वीडियो बना के हमेशा देता रहता हूं और देता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा यह है कि प्रेस फ्रीडम के बारे में हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, पोजीशन पार्टी है, वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाती रहती है, मोदी मीडिया क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन असल में वो क्या करती है, इसका ही टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ। पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने 4-5 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ब्रसेल्स में, उसमें क्या बोला था। मैं आपको ये न्यूज दिखाता हूं, फिर आपके बात करते हैं। ये प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज है, इसकी हेडिंग देखिए क्या बोल रहे हैं आदमी। ये राहुल गांधी साहब हैं, इन्होंने ब्रसेल्स में बोला था, फुल स्केल असॉल्ट ऑन डेमोक्रेटिक सिचुएशन ऑफ इंडिया पोजीशन विल स्टॉप द ऑनस्लॉट ऑन फ्रीडम। ये बोल रहे हैं लंदन September 8th. There is full-scale assault on the democratic institution of India, and there are concern in the European Union quarters over the attempt to stifle the country democratic structure. Rahul Gandhi said on Friday as he pledged that the opposition will stop the onslaught on our freedom. The Congress leader, who is on a European tour, starting with Belgium, addressed a broad range of topics at a media briefing in Brussels, including the Russian Ukraine conflict, to say that the position agree with the government's current position on the issue. On India hosting the G20 summit, Gandhi said it was a good thing and pointed to the lack of an invitation for Congress President Malkar Kharge to the event as reflective of type of thinking from the government that did not value the leader of 60% of India populations. So Rahul Gandhi ka kehna ye hai कि जो आज की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी लेड गवर्नमेंट है, वो फ्रीडम जो है इंडिया में उसको स्टिफल कर रही है। फ्रीडम में प्रेस की फ्रीडम भी होती है। इन्होंने पिछले अपने जो अमेरिका के जो टूर था जून के महीने में, उस समय भी इन्होंने यही बोला था। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि राहुल गांधी साहब क्या बोलते हैं, और यहाँ पर जो भी मतलब मीडिया मोदी के बारे में बोलता है, मोदी के कामों के बारे में बोलता है, उनको ये गोदी मीडिया बोल देते हैं। इनका अपना एक ग्रुप है, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, ऐसे जैसे लोग हैं जो हमेशा एक वो पुनीत प्रसून वाजपेयी है, अभिषेक शर्मा है, आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग हमेशा जो है मतलब किसी भी बात को लेकर के मोदी गवर्नमेंट की और बीजेपी गवर्नमेंट की खिलाफत करते रहते हैं, अच्छी तरीके से खिलाफत करते हैं। मतलब यहाँ तक कि रवीश कुमार तो शायद 2 महीने से आज की डेट में वहां पर पेरिस के कहीं के दौरे पर हैं, और वहां से रोज कुछ ना कुछ अपना वीडियो में और अपने जो फेसबुक में लिखते हैं उसमें हमेशा मोदी गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते रहते हैं। फिर भी मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, फिर भी ये बोलते रहते हैं कि प्रेस की फ्रीडम का यहाँ पर गला घोटा जा रहा है। तो ये न्यूज हो गई, आपको दिखा दिया कि राहुल गांधी का और राहुल गांधी की पार्टी का क्या विचार है प्रेस फ्रीडम के बारे में, कि हमारी गवर्नमेंट प्रेस फ्रीडम को स्टिफल कर रही है। अब आपको बताता हूं कि इस पार्टी ने 2022 के अप्रैल के महीने में जब राजस्थान में एक शंकर जी के मंदिर को गिराया गया था, उस समय न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई थी। ये देखिए, राजस्थान
News 18 anchor Aman Chopra over Albert Temple demolition coverage, accused of instigating communal hatred. इसमें लिखा है, ये देखिए 24 अप्रैल की न्यूज है ये. Apart from promoting communal discard and conspiring to incite riots, serious section of sedition have also been added against Aman Chopra. ये देश नहीं झुकने देंगे करके एक प्रोग्राम है, वो न्यूज 18 में चलाते हैं. In a recent development, FIR have been filed in Rajasthan against News 18 anchor Aman Chopra over his coverage of temple demolition in Alwar on his TV debate show. FIR against Chopra have been registered at the Bundi police station in Rajasthan and the Bichhiwada police station in Dungarpur. Apart from promoting communal discord and conspiring to incite riots, serious sections of sedition have also been added against Chopra. During his show on the demolition of temple in Alwar, Aman Chopra brought up the anti-encroachment drive held in Jahangirpur recently and wondered whether the action in Alwar was a retaliation for the drive in Jahangir. Following the show, a coordinated hashtag was run on social media urging authorities to arrest Chopra for trying to link the two drive to promote this promote the authorities to register case against him. तो अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में अगर FIR दर्ज होता है तो राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की है. ये एक न्यूज हो गई आपको ध्यान रखिएगा. राजीव मैंने राहुल गांधी से शुरू किया है. राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम नहीं है और मोदी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो है प्रेस फ्रीडम का गलत घोट रही है. जबकि अप्रैल 2022 में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो राजस्थान में है उसने अमन चोपड़ा के खिलाफ FIR दर्ज किया था. यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग जर्नलिस्ट नहीं है, ये लोग एंकर है. इनको जो फील्ड है उससे जो रिपोर्ट मिलती है उसको ये लोग अपने शो में प्रेजेंट करते हैं. राइटर कोई और होता है, ये सिर्फ अपना काम करते हैं एंकर का. इसके बाद अब देखिए एक अमीश देवगन साहब है यही न्यूज 18 के, इनके खिलाफ भी FIR हुआ था. उनके खिलाफ 2020 में 7 FIR राजस्थान में हुई थी. 7 FIR राजस्थान में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में हुई थी. फॉर यूजिंग डेरोगेटरी टर्म फॉर द सूफी सेंट इन न्यूज डिबेट शो कॉल्ड आर पार, ये है इसमें 7 FIR हुई थी. देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूं और ये इनके फेवरेट हिंदू जो पूरा प्रो चाइना है और कम्युनिस्ट चैनल है या न्यूज़पेपर है उसमें ये न्यूज है. देखिए अब मैं इसको दिखाता हूँ, आप देखिए. ये देखिए द हिंदू का है, हो सकता है पूरा ना दिखाए क्योंकि बाद में फिर ये बोलेगा कि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट आप न्यूज तो पढ़ती है. देखिए FIR against TV anchor Amish Devgan for using derogatory terms against this. News anchor tendered an apology on Twitter on Tuesday saying that he was actually referring to Alauddin Khilji but instead ended up naming Mohiuddin Chishti. ये बोल रहा है, ये Mohiuddin Chishti बोल गए, Alauddin Khilji बोलना चाह रहे थे, ये इन्होंने ये बोला है. Payodhani police station registered an FIR against television anchor Amish Devgan for hurting Salim to Sufi ठीक है. तो ध्यान रखिए मैंने बताया राहुल गांधी का आपको स्टेटमेंट बताया जो बेल्जियम में उन्होंने दिया, जिसमें वो बोलते हैं कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम और जितने भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सारे के सारे का स्टिफल किया जा रहा है. फिर अमन चोपड़ा का बताया जिसमें कि अप्रैल 2022 में उनके खिलाफ FIR राजस्थान में दर्ज हुई. इसके बाद टीवी एंकर अमीश देवगन के ऊपर 2020 में ये FIR दर्ज हुई थी. अब अभी लेटेस्ट में ये सब चीज बता रहा हूं कि लेटेस्ट इन्होंने ध्यान से सुनिएगा, सुधीर चौधरी जो आज तक के एंकर हैं, पहले वो जीटीवी में थे और उन अब वो आज तक में काम करते हैं, वो एक ब्लैक एंड व्हाइट नाम का एक कोई शो करते हैं, तो उसमें उनको उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है. अब इसमें मैं इन्हीं लोगों के जो चैनल है ना उन्हीं को दिखाता हूं. देखिए क्या बोल रहे हैं, जो इनके चैनल हैं उन्हीं को दिखाऊंगा, मुझे और किसी के वो नहीं है.
देखिए न्यूज लॉन्ड्री ये बिल्कुल मतलब टेन जनपथ और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का चमचा है, चैनल है, ये लिख रहा है डेलिबरेट एंड मैलिशियस इंफॉर्मेशन ऑफिसर व्हाई कर्नाटका पुलिस फाइल एफआईआर अगेंस्ट सुधीर चौधरी, ये ऐसा बोल रहा है। चौधरी क्लेम अ गवर्नमेंट स्कीम इज नॉट फॉर हिंदूज, ये बोल रहा है। द कर्नाटका पुलिस फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट आज तक न्यूज एंकर सुधीर चौधरी फॉर स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी स्कीम फॉर माइनॉरिटी एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी। The FIR registered on September 12 based on a complaint from Shiv Kumar S, an official of the Karnataka Minority Development Corporation. Chaudhary and Aatak were booked under section 505 and 153 of Indian Penal Code. Chaudhary's show, which aired on September 11, had focused on an advertisement by Karnataka Minority Development Corporation, which promised a subsidy of 50% or up to 3 lakh to people from religious minority with a household income of less than 4.5 lakhs to purchase commercial vehicle. ये देखिए, the show claimed that this was discriminatory and the Hindus could not access the scheme. ये है वो Karnataka Minor Development Corporation under the scheme subsidy of this, ये है, ठीक है। अब however the anchor failed to mention that the same scheme can be availed by SC ST community members under the AR Aravena scheme of the Dr. Ambedkar Development Corporation and by backward communities under the state government. Each state has the same scheme available for minorities, this and that. This scheme is Swachha. But Chaudhary attempted to communicate the scheme by critically saying the scheme is not for Hindus. अब हो क्या रहा है कि चौधरी साहब कोई दूध के धुले नहीं है। सुधीर चौधरी 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे उस समय इन्होंने मोदी के खिलाफ बहुत कुछ फैलाया था। मोदी का स्टेटमेंट एक बोला था कि ये एक्शन का रिएक्शन है, ऐसा है वैसा है, और इन्होंने माफी भी नहीं मांगी थी। उसके बाद में ये भाई साहब एक फेक न्यूज चला करके और एक कारपोरेट हाउस को वो कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे, जिसमें कि इनको जेल भी हुई थी और ये जेल में भी रहे थे। वो शायद जिंदल ग्रुप था मेरे ख्याल में, उनको ये ब्लैकमेल कर रहे थे। उस समय ये शायद लाइव इंडिया या ऐसा कुछ करके चैनल था, उसमें काम करता था। इसके अलावा इसने एक स्कूल की टीचर के ऊपर भी कुछ आरोप, बेहुदा आरोप लगाए थे और उसको बोला था कि वो वेश्यावृत्ति करवाती है, ये करवाती है, वो करवाती है, जो आरोप कभी है। तो लेकिन चूंकि ये जी सुभाष चंद्र की जी न्यूज में थे तो इन्होंने अपना एक रोहित सरदाना टाइप एक नेशनलिस्ट का आवरण ओढ़ के रखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जी न्यूज का एंकर होने के नाते इनको 2019 के इलेक्शन से पहले इंटरव्यू भी दिया था। अब ये था कि जब ये मेरे ख्याल में जून 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो तीस्ता ततलवाड़ और संजीव भट्ट और शिव कुमार को किसको सबको खिलाफ एक्शन लेने को बोला गया, तो चूंकि इन्होंने 2002 में काफी मोदी के खिलाफ कंप्लेन की थी तो इनको शायद जी न्यूज से निकाला गया, लात मार करके भागे वहां से। तब लात मार के भागे तो इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था कि मैं अब एक अलग से अपना न्यूज चैनल शुरू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली ये जाके अरुण पुरी की गोद में गिर पड़े और उन्होंने वहां पर इनको उठा लिया। अब अरुण पुरी का काम क्या है कि अरुण पुरी अपने जो इंग्लिश चैनल है जिसमें कि राहुल कमल और राजदीप सरदेसाई जैसे लोग बैठे होते हैं, वो प्रो कांग्रेस एजेंडा चला रहे होते हैं। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए उसने जो अपना आज तक हिंदी चैनल है उसमें ऐसे लोगों को बिठा रखा है जो ऊपर से दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि ये लोग प्रो बीजेपी है। जैसे उसमें अंजना ओम कश्यप है, वो दूसरी कौन है, वो शिवपा त्रिपाठी है, फिर वो एक कौन सी है, कोई सिंह है, श्वेता सिंह है, ये लोग अपने आप को मतलब पूरा पूरा लीप पोत करके आ जाते हैं सामने बैठ करके, जैसे कि फैशन परेड में आए हों। और रोहित सरदाना को भी इन्होंने इसीलिए लिया था, जब रोहित सरदाना से रखा गया तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने इसको ले रखा है, अपना सुधीर चौधरी को लेके रखा है कि हम लोग बैलेंस करेंगे क्योंकि इनकी जो टीआरपी है वो खत्म होती है। हाँ, टीआरपी से याद आया कि जब अर्णव गोस्वामी के खिलाफ
परमवीर सिंह ने कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे महाराष्ट्र के बंबई के, उन्होंने जब केस किया था तो वो केस एक्चुअली टीआरपी का जो मैनिपुलेशन है वो आज तक कर रहा था, इंडिया टुडे कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा। लेकिन चूंकि टीआरपी ज्यादा जा रही थी अर्णव गोस्वामी के रिपब्लिक की, तो उनको जाके अरेस्ट कर लिया था। तो टीआरपी का खेल भी यही लोग करते रहते हैं। और यहां मैं बता देता हूँ कि अरुण पुरी वॉज अ क्लासमेट ऑफ राजीव गांधी इन दोनों स्कूल, एंड ही इवन टूडे एड्रेस सोनिया गांधी एज भाभी। तो सोनिया गांधी, और दूसरा ये है कि जो इंडिया टूडे मैगजीन जो शुरू हुई थी वो इमरजेंसी टाइम में इंदिरा जी ने शुरू करवाई थी अपने कामों को पब्लिक के सामने पेश करने के लिए, अच्छी तरीके से पेश करने के लिए। तो इंडिया टुडे को पूरा में पूरा कांग्रेस का, गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का पूरा एक परदर्श प्राप्त है। तो नेहरू, ये जो सुधीर चौधरी जी हैं, वो यहाँ पर सिर्फ अपना एक मुकोटा लेके बैठे हुए नेशनलिस्ट का, असल में है वो नेशनलिस्ट नहीं है। उसने सिर्फ, जैसे कि वो रजत शर्मा है, रजत शर्मा जिस समय अरुण जेटली साहब थे, उस समय अरुण जेटली से उसकी दोस्ती थी शायद, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे। तो अरुण जेटली को उसने खूब एक्सप्लॉइट किया, खूब उसने कमाई धमाई की, और उस समय पूरा पूरा प्रो मोदी और प्रो बीजेपी था। आज की डेट में देखो तो वो कभी क्या बोलते हैं शाहरुख खान के लड़के के की बड़ाई करता है, कभी वो अरविंद केजरीवाल की बड़ाई करता है, कुछ भी करता रहता है, लेकिन कभी भी वो स्टेट आकर के ये नहीं बोलता कि हाँ मोदी साहब ने ऐसा काम किया वैसा काम किया। तो ऐसे ही सुदीप चौधरी साहब है। तो सुदीप चौधरी के खिलाफ FIR हो गई है। मैं तो चाहता हूं कि इन लोगों को उठा करके अंदर करें, जिससे कि जो ये प्रेस के लोग बाग हैं उनको समझ में आए कि क्या दुनियादारी होती है। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सुधीर चौधरी के खिलाफ जो भी एक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन सुधीर चौधरी अब क्योंकि वो नेशनलिस्ट का टैग उनको लगा हुआ है ना, तो जितने भी प्रो कांग्रेस जर्नलिस्ट हैं, जैसे अजीत अंजुम है, या जो न्यूजीलैंड भी मैंने दिखाया आपको, या पुनीत प्रसन्न वाजपेयी, ये लोग काफी खुश हैं कि अच्छा हुआ सुधीर चौधरी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि AGI एडिटर गिल ऑफ इंडिया अगस्त के महीने में मणिपुर का विजिट किया था, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिस रिपोर्ट में उन्होंने किसी एक फॉरेस्ट ऑफिस को जलते हुए ये बताया था कि मतलब फॉरेस्ट ऑफिस जल रहा था, उसको दिखा दिया कि क्योंकि इसका घर जला रहे हैं और ये मताई लोग जला रहे हैं, जो कि गलत था। तो जो ये चार पांच PGI के जो टॉप जर्नलिस्ट है, ये लोग जो गए थे मणिपुर में, उनके खिलाफ मणिपुर गवर्नमेंट ने 3 तारीख को 4 तारीख को FIR किया था। और उस FIR की सुनवाई करने के लिए कपिल सिब्बल ने सीधा का सीधा मतलब क्वेश्चन करने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर दिया, और वो भी जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द पटिशन इन लिमिनी कि भाई जाओ यहाँ से, कोई मतलब जाके हाईकोर्ट में जाके बात करो, उन्होंने उसको इंटरटेन भी किया, और इंटरटेन करने के बाद में बोला कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता, FIR तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक हमारे चीफ जस्टिस साहब आज की डेट में हैं, तब तक कपिल सिब्बल और अभिषेक मान सिंघवी को किसी भी केस में आप अपीयर होते देखेंगे, और कोई भी केस वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनको इंटरटेन कर लेता है, दूसरे लोग कोई जाएंगे तो उनको इंटरटेन नहीं मिलता है। तो सुधीर चौधरी साहब के खिलाफ ये हुआ, और जो एडिटर गिल ऑफ इंडिया के जो चार लोग हैं उनके खिलाफ जो FIR है अभी तक क्वेश्चन करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसके बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। तो आशा है कि ये समाचार आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन आज की डेट में सुधीर चौधरी ट्विटर पे बैठ करके माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको थोड़ा ट्विटर के 2-4 सुधीर चौधरी की न्यूज दिखा देता हूँ कि क्या बोल रहे हैं।
ये नूपुर शर्मा, आप इंडिया वाली हैं. FIR अगेंस्ट सुरेश चौधरी फॉर आस्किंग व्हाट अबाउट हिंदूज इन कर्नाटका स्कीम, व्हाट हैपेंड, जुबेर मिसलीडिंग क्लेम, प्रियांक खड़गे, 38 एंड मोर. ये जो है ये प्रियांक खड़गे है, खड़गे के साहब के लड़का है और सिद्धू चौधरी साहब है. ये मार जुबेर है. अच्छा, एंड दूसरा कौन है ये अलोक भट्ट साहब क्या बोल रहे हैं कर्नाटका में. ये अलोक भट्ट, Our side and SM should speak in support of Sudhir Chaudhary, as all he did was to raise a question on the decision of Karnataka Congress government. Had any BJP done this, even Khadge, क्या Khadija Patel run IPI would have spoken against it and Indian government branded anti-press. Karnataka में केंद्र सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली. सवाल का जवाब FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है. मेरे सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है, इस लड़ाई में के लिए मैं भी तैयार हूं. अब अदालत आगे देखते हैं क्या बोल रही है पूरा. अब अदालत में मिलेंगे ये बोल रहे हैं भाई साहब. तो सुधीर चौधरी की तो देखेंगे क्या हो रहा है. अच्छा हुआ. ये क्या है जस्टिन, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज नॉट ओनली रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट सुधीर चौधरी, देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन द एफआईआर कॉपी आईपीसी 1860 अंडर सेक्शन 505 एंड 103. सुधीर चौधरी आज तक मैनेजिंग द एडिटर और आज तक ऑर्गेनाइजर. द मैसेज इज क्लियर फ्रॉम कांग्रेस, इफ यू मेस विद पार्टी एक्सपेक्ट यू विल पे फॉर इट. दिस इज हाई टाइम पार्टी डज नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस लाइक दैट. Enough of them for last 9 years, like बोल रहे हैं. अच्छा, ये लो अमिताभ चौधरी. Congress has always been behind journalist Sudhir Chaudhary since several years because he has, without any fear, exposed the propaganda and anti-Bharat, anti-Hindu agenda of Congress and others. Now once again the Congress government, misusing its power, has lost false cases against. Misusing power against him in Karnataka. Actually, the party and INDIA alliance is afraid of his truthful journalism and thus want to silence him and other before 2024. Many such false cases will be lodged against several other nationalists and journalists. The Congress supporter and Darbari journalists are celebrating the case against Sudhir Chaudhary. But they must not forget that the nation is with Sudhir ji and G in his fight for Bharat and अगेंस्ट करप्ट कम्युनल फोर्सेस. अरे तू आज तक में काम करता है तो करप्ट, तू खुद करप्ट और कम्युनल फोर्सेस के फेवर में बेकार की बातें करता है. ये देखिए क्या बोल रहे हैं ये सजाद हिंदू. आफ्टर सुधीर चौधरी नाउ ट्रैप बीइंग लेड फॉर सुशांत बी सिन्हा. आइडिया इज टू फाइल फेक केस अगेंस्ट मीडिया चैनल एंड स्टॉप द शो सीम्स लाइक अ प्लान बाय इंडिया एयरलाइंस. अच्छा हाँ, सुशांत सिन्हा को भी शायद लपेटेंगे. दीज आर द पीपल हु टॉक अबाउट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. सुधीर जी जिनका इतिहास पत्रकारों को जेल में डालने का है, उसमें से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती. और फिर ये लोग किसी और को हिटलर बुलाते और बताते हैं पूरी मजबूती से लड़िए. ठीक है, संदीप सिंह क्या बोल रहे हैं, तेरा भी नंबर आएगा भाई FIR का, तेरी झूठ की पाठशाला भी एक दिन बंद करेंगे. बिना बात के मोदी की गुलामी में लीन हो, शर्म किया करो. देखिए ये बोल रहे हैं. अच्छा, ये अमित मालवीय जी का है, सुधीर चौधरी साहब बोल रहे हैं. खैर, हर्षवर्धन 9 तारीख को क्या है ये, 12 घंटे पहले का. रवीश टीवी ने ज्ञान दिया कि विपक्ष पहले मीडिया से लड़ना होगा. कल सुधीर चौधरी पर FIR कांग्रेस नेताओं से लेकर सामान्य कांग्रेसी ट्रोल तक मीडिया को धमकाने में जुट गए हैं. सोचिए कांग्रेस की रणनीतिक क्षमता कहाँ है. एनीवे, ये देखिए प्रियांक खड़गे, ये खड़गे साहब का लड़का है. द एंकर ऑफ वार्ता की डिलीवरी स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम व्हिच वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय बीजेपी एमपी एंड इज बीइंग एम्प्लीफाइड बाय सेक्शन ऑफ मीडिया. दिस इज डिलीवरी एंड मिलिशियस. गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट विल बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट नेसेसरी लीगल एक्शन. ये देखिए कपूर शर्मा जी का है. अच्छा है, तो मेरा कहना यह है कि भाई आप लोग खुद डिसाइड करो कि
कौन जो है वो प्रेस फ्रीडम चाहता है और कौन प्रेस का गला घोटना चाहता है। इस पार्टी को 2024 में मैं तो ये बोलता हूं कि एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। मुझे मालूम है कि कर्नाटका में इनकी गवर्नमेंट है तो वहां पर शायद ये लोग अपना जो मुस्लिम वोटर्स है उनको लेकर के कुछ एक दो चार सीटें पा जाएं। तमिलनाडु में स्टालिन है वहां पे कुछ क्रिश्चियन लोग उसको दे सकते हैं। केरला में सीटें मिल सकती है, हो सकता है आंध्रा में कुछ सीटें मिल जाएं। लेकिन जो लोग सनातन धर्म से प्यार करते हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस पार्टी को बिल्कुल आप वोट ना दें। और दोबारा, क्योंकि अगर ये पार्टी दोबारा आ गई तो आपको मालूम है कि वो जो एक माइनॉरिटीज बिल लेकर के आ रहे थे जिसमें यह था कि अगर कहीं पर कुछ भी गड़बड़ हो गई और मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हुआ तो, और उन्होंने अगर कंप्लेन कर दी तो जो सामने वाला जो अटैकर है हिंदू है उसके खिलाफ भी एक्शन होगा और उसको भी बोलना पड़ेगा हाँ भाई इन्हें अपराध नहीं किया। ऐसा कुछ एक बिल लेकर के आ रहे थे, माइनॉरिटीज बिल समथिंग लाइक दैट, व्हिच वाज टूथ एंड नेल अपोज्ड बाय अपोजिशन पार्टीज एंड इट वाज शेल्व्ड। तो अगर दोबारा से ये पार्टी कहीं पर अगर किसी भी तरीके से अगर सरकार में आ गई तो हिंदुओं सनातन धर्मियों आप लोगों का तो कोई खैर नहीं है। इस रिक्वेस्ट के साथ में इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पॉसिबल हो तो आप मेंबरशिप जरूर लें, तो जिससे कि आगे और इस वीडियो इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने में मुझे मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।